देखो, हम तो बनिए हैं, कोई भी हम काम करते हैं तो उसका पहले कॉस्ट इवेल्युएशन करते हैं। बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं ले रहे, डिवाइस भी दिए और मेरा इलाज शुरू किया। 10 दिन के अंदर ही मेरे को अपने डायबिटीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट लगा, तो मुझे एक विश्वास जागा कि हाँ, मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। हाय, आई एम संजय गुप्ता, ए दुकानदार बनिया एंड ए ट्विन हेल्थ मेंबर। जब मैंने ट्विन का ये सारा प्रोग्राम समझा, मुझे लगा यार ये तो बड़ा कोई पहाड़ गोदने जैसा कोई भारी काम है, और हम तो दुकानदार आदमी हैं, सुबेरे 9 बजे दुकान पर जाते हैं और रात को 9 बजे आते हैं, तो ये कैसे होगा, कैसे बिना रोटी खाए, बिना चावल खाए, बिना दाल खाए कैसे चलेगा काम, कौन क्या करेगा। मेरे पास कोई इतना स्टाफ भी नहीं है कि मेरे लिए कोई सारा दिन कोई मेरे दुकान पर खाना बनाता रहे या ऑफिस में बनाता रहे। हाँ, एक मेरे पास मेरी बहुत ही प्यारी पत्नी है और बेटी है। मैं इनसे कितनी बार कहती हूँ शुगर वाली डाइट छोड़ के नॉर्मली खाना खाओ, लेकिन इनकी शुगर वाली डाइट इतनी सिंपल है, इन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। शाम को ये सलाद में और सूप में ही, उसमें उनकी नीड पूरी हो जाती है। 15 साल किसे कहते हैं, बहुत लंबा टाइम है एक लाइफ में। अगर हम 60 साल की एवरेज लाइफ किसी आदमी की माने तो 25% आपका जीवन 15 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है, 15 साल में एक जवान आदमी बूढ़ा हो जाता है। मैं 15 साल से डायबिटिक था। मैं कहीं जाता था, मुझे इंसुलिन बॉक्स कैरी करना पड़ता था। जब मैं उस इंसुलिन को इनसे लगाता था, लोगों को ऐसा लगता था कि कोई ड्रगिस्ट है, कोई ड्रग ले रहा है, कोई ये सोच, कोई मुझे सिंपैथी की निगाह से देखता था, बेचारे को इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कितना बीमार है। आज लगभग 4 महीने हो गए मुझे इस जर्नी में। 3 महीने के अंदर अंदर मेरी कंप्लीट इंसुलिन की डोज बंद हो गई 50 यूनिट। हालांकि पहले दिन ही नहीं, मुझे उन्होंने 50 यूनिट से 25 यूनिट पे ले आए थे, फर्स्ट डे ही आधी कर दी थी, और धीरे धीरे 3 महीने में कंप्लीट मेरा इंसुलिन बंद कर दिया। एक जेनेविया 100 करके टैबलेट थी, वो भी मेरी बंद हो गई, और अभी एक मैं सिर्फ एक माइल्ड सी दवाई मेटफॉर्मिन पे हूँ और मेरा शुगर बिल्कुल एब्सोल्युटली कंट्रोल में है। इतनी खुशी होती ना पापा को देख के, जब से उनका डायबिटीज़ रिवर्स हुआ है, उनका वेट कंट्रोल हुआ है, उनको जब मैं उनको देखती हूँ कि वो बहुत अब स्वस्थ हो गए हैं। उनका पहले शुगर बहुत लेवल हाई रहता था, इवन क्रॉस 400 तक रहता था, और अब बहुत ही मतलब नॉर्मल है, तो अब बहुत अच्छा लगता है। इट वॉज पेनफुल टू सी अ फैमिली मेम्बर बींग अ शुगर पेशेंट। आपको चाहिए होता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ हर उसमें साथ रहें, आपका साथ रहें, लेकिन पहले डैड में इतना स्टैमिना नहीं था, इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहें। मैंने इवेलुएट किया, कॉस्ट ज़्यादा नहीं है ये, बिल्कुल जितना मैं पहले पे कर रहा था उससे भी आधी है, और उसके बावजूद जितना मैं पहले पे कर रहा था मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं था, उससे आधा खर्च करके और मेरा डायबिटीज़ ना केवल कंट्रोल हुआ, जबकि रिवर्सल जर्नी में मुझे ऐसा लगता है कि मैं 60-65% यात्रा पूरी कर चुका हूँ। आने वाले 1 या 2 महीने में मैं कंप्लीट रिवर्सल कर दूंगा डायबिटीज़ को। हर 15-15 मिनट की शुगर, ये सेंसर जो इन्होंने मेरे बाजू में लगाया, हर 15-15 मिनट का मेरा ब्लड शुगर का लेवल चेक होता है। दिन में 96 बार शुगर का लेवल चेक होता है। 2 बजे के टाइम अगर मैंने कुछ खा लिया तो 2 बजे से 2:30 बजे के करीब मेरा ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। आधे घंटे बाद कोच का फोन आ जाएगा, सर क्या खा लिया आपने? अरे भैया, इतना तो भगवान भी नहीं वाच करता आदमी को जितना ये हम पे वाच करते हैं, इतना माइन्यूटली वाच करते हैं। चीज़ नहीं है कि अगर मैं ये ऐसा करूँगा तो ऐसा हो सकता है, नहीं, ये तो होना ही होना है, इसका रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि आप किसी के ऑब्जर्वेशन में हो और 24 आवर ऑब्जर्वेशन में हो। 96 बार दिन में ब्लड शुगर का टेस्ट होना और 96 बार के टेस्ट के हिसाब से आपकी मेडिसिन को कम ज़्यादा करना, अगर आपको ज़रूरत है तो मेडिसिन दी जाएगी, नहीं ज़रूरत है तो हटाई जाएगी, ये आपका एक प्रॉपर सिस्टम है डायबिटीज़ को ट्रीट करने का। आई एम वेरी थैंकफुल टू ट्विन हेल्थ।